निगम भिलाई शहर को सुंदर बनाने कई तरह के आयाम अपना रहा है, जिसमें शहर के बीचों बीच से गुजरते फ्लाईओवर के नीचे बने डिवाइडर पर काफी आकर्षक और विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए हैं। परंतु देखभाल के अभाव में ये शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले नन्हे पौधे दम छोड़ चुके हैं। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, जैसे सड़कों पर LED लाइट लगाना और इन लाइट के खंभों पर LED पट्टी लगाना और शहर को हरा भरा बनाने के लिए शहर भर में वृक्षारोपण करना शामिल है। इसी के तहत शहर के बीचों बीच से गुजरती हुई फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडरों पर खूबसूरत फूलों के पौधे रोपे गए हैं। साथ ही इस फ्लाईओवर को सहारा देने वाले दीवारों पर जाली लगाकर छोटे छोटे गमले में पौधे लगाए गए थे, परंतु देख रेख के अभाव में यह पौधे अपना दम तोड़ चुके हैं और शहर की सुंदरता के लिए लगाए गए पौधे अब शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। जब हम यह खबर बना रहे थे, तभी एक पानी का टैंकर वहां पहुंचा और सूखे हुए पौधों में जान डालने के लिए पानी का छिड़काव करने लगा, परंतु यह पानी भी केमिकल युक्त था। इसे देखकर यह समझना मुश्किल है कि यह पौधे केमिकल युक्त पानी से अपना दम तोड़ चुके हैं या फिर देख रेख के अभाव में। इस मामले को लेकर नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे से चर्चा की गई। आप भी सुनिए ये क्या कहते हैं। देखिए, आयुक्त महोदय के निर्देश पर भिलाई शहर को सुंदर बनाने, इसमें जिलाधीश महोदय का भी निर्देश है कि जी रोड के किनारे किनारे और जो डिवाइडर है फ्लाईओवर के नीचे, उसको भविष्य में उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले, इस उद्देश्य से उसमें मोर पंखी, बगेस बोलिया जैसे रंग बिरंगे फूलों के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसे सुंदर डिवाइडर दिखे और उसमें भिलाई के सुंदरता में चार चांद लगे, इस उद्देश्य से वहाँ वृक्षारोपण किया गया है, जिसके लिए समय समय पर तराई की जाती है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो फ्लाईओवर से जो पानी बह के नीचे आता है उससे भी उसकी तराई की जा रही है। नहीं, केमिकल युक्त पानी का छिड़काव तो नहीं किया जा सकता। इन दिनों क्या है, डेंगू का प्रभाव टाउनशिप क्षेत्र में चल रहा है, तो हमारी कुछ गाड़ियाँ भिलाई टाउनशिप की मदद के लिए उसमें केमिकल डाल के छिड़काव का जो क्रम है वो जारी रहता है डेंगू से बचाव के लिए। तो हो सकता है उसमें नीचे तराई में, टैंकर की तराई में कुछ केमिकल रहे हो, उसकी खुशबू आप आ रही होगी, लेकिन केमिकल युक्त पानी से पौधों की तराई नहीं की जा रही है। पौधों की तराई उद्यान विभाग से स्पेशल टैंकर आवंटित की गई है, जिसके माध्यम से की जाती है। शहर भर में वृक्षारोपण करने के लिए कई एजेंसियों को यह काम सौंपा गया है, परंतु यह एजेंसियां शायद अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत यह सूखे हुए पौधे हैं। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि शहर की सुंदरता में कोई दाग न लगे और निगम प्रशासन द्वारा की गई मेहनत पर पानी न फिर जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।